लेकिन पिछले दिनों में ये भी हमको देखने को मिला, चार पांच दिनों से हम ये भी देख रहे हैं कि हम प्लेटो पर हैं। एक तरह के जितने केसेस नए आ रहे हैं उतने रिकवर भी हो रहे हैं। बहुत चिंता की बात तो नहीं है, लेकिन स्वाभाविक रूप से सावधान होकर के काम करने की ज़रूरत है। इसलिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो दूसरी स्टेट से हिमाचल प्रदेश में इंटर स्टेट मूवमेंट के तहत जो आ रहे हैं, उनके लिए कुछ चीज़ों का हमने जिक्र किया है, जिसमें RT-PCR टेस्ट की हमने बात कही है, और उसके साथ साथ में डबल डोज जिसकी हो गई है तो उनके लिए वो अगर उनको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इफ एट ऑल अगर RT-PCR नहीं हो पाता किसी का तो वो रैपिड टेस्ट के माध्यम से भी आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए करनी पड़ी क्योंकि पिछले दिनों हमारे 850 से मामले अब 2500 तक मामले पहुंच गए हैं एक्टिव केसेस के, तो इसलिए ये निर्णय करना पड़ा। स्कूल हमने बंद किए हैं 22 तारीख तक, उसके बाद रिव्यू करेंगे सारी सिचुएशन को। उम्मीद करता हूँ कि अब आने वाले समय में सुधार आए। सर, जिस तरीके से जनसभाएं हो रही है, सर आपको नहीं लगता कि इस चीज़ से जो है इसको प्रभाव पड़ सकता है? क्योंकि बहुत लंबे अरसे के दौरान पब्लिक गैदरिंग, सोशल गैदरिंग जो है वो रिस्ट्रिक्टेड थी, पर ऐसी परिस्थिति में जब कोविड के मामले पूरे देश भर में कम है तो पूरे देश भर में वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो रिलैक्स की है, उसी तर्ज पर हमने हिमाचल प्रदेश में भी। अभी की स्थिति में अब यह है कि अगर मामले फिर ज़्यादा बढ़े, हम 24-25 तारीख तक इंतज़ार करेंगे, 24 को हमारी कैबिनेट है, रिव्यू करेंगे, अगर हमको ऐसा लगेगा कि भी मामले और ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो उस सूरत पर फिर विचार करेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ कि एक चीज़ जो देखने में आई है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, और हम सोच रहे थे कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन में क्राउड ज़्यादा होने की वजह से शायद संक्रमण का कारण वो बन रहे हैं, लेकिन जो हमने अभी स्टडी किया, हमने रिव्यू मीटिंग अभी कल ही की है, उसमें हमने इस चीज़ को देखा है कि ये आइसोलेटेड केसेस हैं, और ख़ासतौर से जहाँ टूरिस्ट नहीं जा रहा है, टूरिस्ट पहुँचता नहीं, वहाँ पर भी क्लस्टर बन गए। और उसके कारण ये है कि ये जो पर्टिकुलरली जो हमारी जो हम शादियों के दौरान जो शादियों का दौर चला उसमें जो फीस ऑर्गेनाइज करते हैं जिसको हम धाम बोलते हैं, तो उसमें से बहुत सारे चंबा में इंटीरियर में केसेस निकले हैं बहुत बड़ी, और मेरे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पंचायत में 49 केसेस निकले हैं, वो सारे के सारे प्राइमरी कॉन्टैक्ट उनका शादी है, मैरिज है, तो ऐसे में इस तरह की परिस्थिति है। लेकिन हम बहुत जल्दी इसके लिए जो बेहतर करने की कोशिश है वो करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, रजिस्ट्रेशन वैक्सीन के मामले में हम 93% हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट डोज कर चुके हैं, 93% हो गया है, और पूरे देश भर में मैं कह सकता हूँ कि या तो रखे अभिमान पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।